Hey guys, what's up? This is Sakar Gupta and you are watching English to Tech. Friends, in this video lecture, we are going to discuss about the future perfect continuous tenses. Yes, friends, future perfect continuous tenses. So, we have to let's start with future perfect continuous tenses without wasting our time. So, friends, you can see here the most important thing is that identification of the sentences. So, you can see here ki in the last of these sentences comes like these words, rahega, raha, hoga. और इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं रहूंगा रहेगा ठीक है और रहा होगा इस तरीके से आपके वर्ड्स आते हैं जो कि आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के ही से की ही तरीके से रहते हैं ठीक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को याद करिए उसमें भी सेम आप लोगों के दोस्तों यही वर्ड्स आते थे बट इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में दोस्तों ये डिफरेंस होता है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में आपके यहाँ पर जो यहाँ पर वर्ड होंगे रहेगा रहा होगा इस तरीके के वर्ड्स तो आएंगे प्लस उसमें साथ में साथ यहाँ पर टाइमिंग का भी आपको नॉलेज दी रही होगी ठीक है टाइमिंग भी बताई जाएगी जैसे कि दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा ठीक है तो यू कैन सी हियर कि इन द लास्ट ऑफ दिस सेंटेंसेज एट द लास्ट ऑफ इस सेंटेंसेज कम्स देखो कि क्या आया है कि पढ़ता रहेगा ठीक है पढ़ता रहेगा रहेगा आया ठीक है उसके साथ ही साथ में दोपहर के समय वह 1 घंटे तक ठीक है 1 घंटे तक भी आया और जहेगा भी आया ठीक है तो इसमें दोस्तों टाइमिंग भी है प्लस जहेगा और रहा होगा इस तरीके के वर्ड्स भी आए हैं सो आप इसको इजिली समझ सकते हैं इसकी ये आइडेंटिफिकेशन होती है और फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस देन यू कैन ट्रांसलेट इट ठीक है तो दूसरा दोस्तों ये तो आइडेंटिफिकेशन की बात रही फिलहाल हम लोग दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे एंड यू नो वेरी वेल वेयर वी हैव टू यूज़ विल हैव बीन एंड वेयर वी हैव टू यूज़ शैल हैव बीन ठीक है आई वी के साथ में दोस्तों हम लोग शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे ठीक है और बाकी सब्जेक्ट के साथ में हम लोग विल हैव बीन का यूज़ करेंगे चीज़ तो आपको पता ही है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है अब दोस्तों आपको यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है उसके साथ ही साथ में ing फॉर्म भी लगानी है ठीक है ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगती है और साथ ही साथ में दोस्तों इस तरीके के जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज होते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि सिंस और फॉर का भी यूज़ होता है ठीक है वी हैव टू यूज़ हियर सिंस एंड फॉर एंड सिंस का मतलब दोस्तों आप लोगों को मैंने हर एक वीडियो में जो प्रीवियस वीडियोस बनाई थी उसमें भी आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था कि कहाँ पर सिंस का यूज़ होगा कहाँ पर फॉर का यूज़ होगा एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों सिंस का यूज़ अगर कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम का बताया जाए ठीक है पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड कोई भी चीज़ बताई जाए जैसे कि साल मैं इस सन में पैदा हुआ था मैं 1999 में पैदा हुआ था ठीक है तो इस तरीके से मैंने एक साल बताया ठीक है तो ये क्या है सिंस यहाँ पर लगेगा लेकिन मैं 18 साल पहले पैदा हुआ था तो यहाँ पर 18 साल पहले कौन से 18 साल पहले ये चीज़ हमको नहीं बताई गई है तो इट मींस कि यहाँ पर दोस्तों ये पीरियड ऑफ टाइम है और यहाँ पर हम लोगों को फॉर का यूज़ करना है ठीक है तो आई थिंक यू हैव क्लियर नाउ अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है यहाँ पर आपको पता है सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन शैल हैव बीन का आपको यूज़ करना होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing उसमें लगता है फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड अनदर वर्ब का यूज़ करते हैं जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर दोस्तों लेते हैं तो यहाँ पर आप फर्स्ट एग्जाम्पल देख पा रहे हैं दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा तो यहाँ पर आपको उसका देखिए यहाँ पर आपको पता ही है कि दोपहर के समय 1 घंटे तक भी आया प्लस पढ़ता रहेगा भी आया ठीक है रहेगा प्लस 1 घंटे तक तो इसका क्या होगा आपको सबसे पहले कि एट नून ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर ठीक है तो यहाँ पर आपको पता है कि दोपहर के समय ठीक है तो सबसे पहले दोपहर के समय की इंग्लिश बना लेते हैं तो एट नून ठीक है एट नून ही विल हैव बीन ही विल हैव ही के साथ में दोस्तों विल हैव बीन का यूज़ करेंगे एंड रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing तो रीडिंग हो जाएगा फॉर एन आवर सो आई थिंक यू हैव क्लियर नाउ अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कल मैं 4 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा कल मैं 4 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा अब यहाँ पर कल आया है तो कल का यूज़ चाहे आप टुमारो पहले लिख लीजिए सेंटेंस के बाद में लिख लीजिएगा फिलहाल मैं इसका टुमारो जो है उसको सेंटेंस के बाद में यूज़ करूँगा ठीक है ट्रांसलेट करने के बाद में तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ तो आई शैल आई के साथ में आपको पता है शैल नॉट हैव बीन आएगा ठीक है कभी भी यहाँ पर अगर निगेटिव सेंटेंस होता है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो शैल नॉट हैव बीन ठीक है विल नॉट हैव बीन इस तरीके से लिखा जाता है ठीक है विल हैव
नॉट बीन, इस तरीके से आप कभी भी नहीं लिखिएगा, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि विल नॉट हैव बीन या फिर शैल नॉट हैव बीन, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री फॉर 4 hours tomorrow, ठीक है। तो ये तो इसका ट्रांसलेशन रहा। एंड इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हें 15 घंटे तक कौन पढ़ाता रहेगा, तुम्हें 15 घंटे तक कौन पढ़ाता रहेगा, ठीक है। तो हु विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 15 hours, ठीक है। तो हु विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 15 hours। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इसके सेंटेंस थे, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिए। इस तरीके से आप अपने तरीके से अपने दिमाग में भी सोच सकते हैं और डेली लाइफ में बहुत सारा इसको यूज कर सकते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आपको अपनी डेली लाइफ में ये सारे सेंटेंस जो भी मैंने आप लोगों को बताए हैं, इस तरीके से आपको अपने डेली लाइफ में बहुत सारे इंप्लीमेंट करने होंगे, ठीक है। उसको लागू करना होगा और उसको लगा लगा के हर जगह फिट करके देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ पर कौन सा सेंटेंस लग रहा है, ठीक है। जैसे कि वह आता रहेगा, वो जाता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे डेली लाइफ में हम लोग इस तरीके के वर्ड्स को यूज करते हैं। तो आपको अगर स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो दोस्तों यहां पर ये चीज आपको इंप्लीमेंट करना अपने रोज के लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो दोस्तों ये केवल आपकी पढ़ाई जो है केवल बुक्स तक ही सीमित रह जाएगी, आपके एग्जामिनेशन तक ही सीमित रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप लोग इम्प्लीमेंट करिए। उसके बाद दोस्तों अब हम लोगों को यहाँ पर से सारे सेंटेंस खत्म होते हैं। यहाँ पर 12 types के सेंटेंसेज जो टेंसेज होते थे, टेंसेज के 12 types हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। पिछले आप पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप चाहें तो जा करके चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अभी से आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोगों बहुत सारे यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि कहाँ पर हम लोगों को विल हैव का यूज़ करना है, ठीक है, कहाँ पर हम लोगों को हैज़ टू, हैव टू, इस तरीके के जितने भी यूजेज होते हैं, फाइट, शाय ऑफ, इस तरीके से फील्स लाइक टू, ये जितने भी यूजेज होते हैं ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और स्पोकन इंग्लिश में इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ को भी हम लोगों को इसको समझना होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, देन यू कैन फाइंड द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ द अवर वीडियोज़, ठीक है। तो तब जाकर के आप लोगों को नई नोटिफिकेशन मिलेंगी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। सो आई थिंक कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। और दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन।